कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। मॉर्निंग का टाइम है, 10:30 हो गए हैं और मेरा लगभग सारा काम हो गया है। और जैसा कि आप सबको पता है, फेस्टिवल सीजन तो देखो चला हुआ है। कल करवा चौथ है और सभी लेडीज़ करवा चौथ की बहुत ज़ोर शोरों से तैयारी चल रही है, क्योंकि खुशी होती है भाई, सभी को होती है इस दिन की, तो खासकर लेडीज़ को। जेंट्स को तो क्या करना है, जेंट्स के तो बेचारे के खर्चे ही होते हैं, तो लेडीज़ को होती है। तो मैं अभी मेहंदी लगवाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, दिखाती हूँ कैसी मेहंदी लगा के आऊँगी। और आप सभी भी बताना, आप लोगों ने लगवाई या नहीं लगवाई, कैसे कैसे लगवाई। तो चलिए अपनी उस तरह लगा सके हैं यार। माथा पे क्यों लिखवा रहा है? दीन दोबारा बता, ये बोले ना, तो बड़ी दीदी दीन बस 7-8 दाने होते हैं ना। लक्ष्य आ जा, दे दे दे, उड़ बैठ के खा ले। मेरा नहीं, मैं ये वाला है, मेरा लड़की सुप्री। इसमें एडिक मेंट देने, सीधा करें, सीधा कर पाओ, सीधा पुखनी। मैं मेहंदी लगवा के आ चुकी थी और वहाँ पर ना काफ़ी भीड़ थी, कई लेडीज़ बैठी थी मेरे से पहले जिससे मैं लगवाने गई थी, और अकेली थी वो। तो भाई टाइम तो लगता ही है इस चीज़ में। तो अभी आई थी मैं, अभी तकरीबन है ना 3-3.30 बजे का टाइम था, और यश भी आ चुका था स्कूल से। यश को खाना वगैरह देने के बाद फिर देखिए मैम आपको मेहंदी दिखा रही हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। और मैंने है ना आते ही धो लिया था मेहंदी को, क्योंकि आजकल तो ऐसी है, इसको थोड़ा सूखने के बाद ऐसे झड़ने लग जाती है, तो उसको बेशक उतार दो तो फिर वो अपना कलर छोड़ देती है। आजकल बड़े केमिकल वगैरह मिल रहे हैं मेहंदी के अंदर। तो मैं बना रही थी बस अपने लिए चाय, क्योंकि बहुत थक जाते हैं बैठे बैठे भी, 2-3 घंटे से लगातार बैठी थी। अभी मेरी सिस्टर का फ़ोन आया हुआ था, उसी से बात कर रही थी फ़ोन पे मैं, और बना रही हूँ अपने लिए चाय अदरक डाल के। और मैं ना मेहंदी लगवा के आई थी 2 बजे के आसपास आई थी, और चाय थोड़ी सी अच्छे से पक जाएगी, मैंने सोचा चलो 2-3 मिनट आप लोगों से बात कर लेती हूँ और दिखाती हूँ। मेरा करवा चौथ का सूट भी सिल गया है, और भी मैं क्या क्या लेके आई हूँ करवा चौथ पे, कुछ खास तो नहीं लेके आई भाई, सिंपल सोबर ही डालते हैं हमारे यहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं, बस सिंपल सूट ही डालते हैं। और मेहंदी ना इतना, मैंने सही बताऊँ, मैंने ना इसको आधे घंटे भी नहीं रखा था, तभी मैंने धो लिया था इसको पानी से, क्योंकि लेडीज़ का काम नहीं चलता, कुछ ऐसा काम हो गया था कि मुझे धोना पड़ा मजबूरी में ही। लेकिन आजकल तो भाई ऐसी मेहंदी आ रही है, थोड़ा सा मतलब जल्दी रच जाती है, आधे घंटे में ही मतलब अच्छा कलर आ जाता है। ये सभी गया है ट्यूशन पे और चाय पीते हैं कड़क वाली। देख लो मेरा करवा चौथ का ये है चूड़ियों का सेट,
और मैं सूटी डालूँगी, सूटी सिलवाया है मैंने। ये देखो कंगन बहुत अच्छा सेट बना के दिया है ये चूड़ियों का। और ये है थाली मेरी पूजा वाली, और इस पे है कान्हा जी की फ़ोटो। कितने अच्छे लग रहे हैं कान्हा जी। तो ये 100 रुपीज़ की मिली है मुझे, ज़्यादा महंगी नहीं थी, मुझे अच्छी लगी। और ये मेरा सूट है, ये देखो इसका दुपट्टा और ये सूट है। कल डाल के दिखाऊंगी कैसा लगेगा, तो देखिए यही है बस। तो मैंने दिखाया अपना सूट, अपनी चूड़ियाँ वगैरह, और ये थाली जो है मैं अब की बार ही लेके आई हूँ, पहले नहीं लेके आई थी। पहले मैंने कभी लेके ही नहीं आई थी, बस ऐसे ही घर में थी एक, उसको ही यूज कर लेती थी। लेकिन अब की बार मेरा मन किया कि मैं भी पूरी थाली लेके आऊँ, और गली में कोई मतलब सामान बेचने वाले जा रहा है, उसका शोर आ रहा है, तो प्लीज़ ध्यान मत देना, इग्नोर करना। तो यही है। और ज्वेलरी मैं है ना गोल्ड की ही डालती हूँ, हमारे यहाँ ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी करवा चौथ वाले दिन नहीं डालते हैं, तो गोल्ड की ज्वेलरी डालते हैं, तो गोल्ड की ज्वेलरी डालूँगी। कल दिखाऊँगी जब पूरा लुक मतलब कैसा लगेगा। तो अभी तो अभी हो चुका था शाम का टाइम, मतलब रात का डिनर बनाने की तैयारी करने लग गई थी मैं। और वैसे तो भाई मेहंदी लगी हुई थी, लेकिन क्या करें, काम तो हम लेडीज़ को करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी लगा हो। और साथ में ना यस बोल रहा था मेरे से, मैं यस से ही बातें कर रही थी। आटा लगा के रख दिया था, और अभी मैं बनाऊँगी ये कचरी हैं, बहुत अच्छी बहुत टेस्टी चटनी लगती है इनकी, कौन कौन खाता है, किस किस को पसंद है, तो हमारे यहाँ इधर होती हैं ये, तो इनकी चटनी ना बहुत टेस्टी बनती है। तो बस मैं इनकी चटनी बना लूँगी, और मूली की भुज्जी रखी हुई है तो वो हो जाएगी साथ में। और इस छोटे से में ही बनाऊँगी मैं कुंडी छोटा में। तो मैंने पहले सारी कचरियों को धो लिया है, क्योंकि चटनी है ना यस को भी बहुत पसंद है, उसके पापा को भी बहुत पसंद है, और मुझे भी बहुत पसंद है चटनी। तो हर टाइम बहुत मतलब सब्जी हो या ना हो चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं कई दिनों में बना रही थी, इतनी जल्दी जल्दी नहीं बनाती हूँ चटनी, तो कई दिन में बना रही थी, क्योंकि यस है ना सब्जी ही ज़्यादा खुश होके खाता है, चटनी खा तो लेता है लेकिन साथ में सब्जी ज़रूर होनी चाहिए। तो बस मैं इनको छील लिया था, और ये थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल ली थी, तो बस कूट लूँगी। मिक्सी में भी बना सकते हैं, ग्राइंडर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट इसमें आता है ना कूट के, वो टेस्ट किसी में भी नहीं आता। बहुत अच्छा टेस्ट आता है कूट के मतलब कोई भी चटनी बनाओ, हम किसी भी टाइप की चटनी बनाओ, प्याज की, टमाटर की, किसी भी चीज़ की बनाओ, जो चटनी कूट के बनती है ना, तो वो मिक्सी वगैरह में नहीं बनती है, वो टेस्ट नहीं आता है, जो कूट के हम बनाते हैं उसमें आता है। तो बस मैं बना रही थी, और अभी टाइम हो चुका था तकरीबन 8:30 बजे का टाइम था ये, और यस कर रहा था अपनी पढ़ाई, इसके पापा कर रहे थे शाम वाली पूजा, ज्योत वगैरह, उनको बोल दिया था मैंने कि ज्योत वगैरह आप ही लगा दो। तो बस मैंने चटनी बना दी थी, और अभी मैं बना रही थी रोटियां, तो बस रोटियां बना दूँगी। और मेहंदी तो देखिए भाई देखते हैं कैसी रचती है, लेकिन आजकल मेहंदी का ये काम हो गया है कि कितना ही काम कर लो, कितना ही पानी का काम कर लो, लेकिन मेहंदी अपना जो कलर छोड़ना होता है ना उसको, वो कलर अपना ज़रूर छोड़ती है, क्योंकि केमिकल काफ़ी मिलने लग गए हैं। और बस बना लेती हूँ फुलके, और उसके बाद कर लेंगे हम अपना डिनर। तो ये लग चुकी है हमारी प्लेट, यस को मैंने पहले दे दी थी, और ये है मेरी थाली, चटनी है और मूली की भुज्जी है, और ये है मेरे हस्बैंड की दूसरी थाली। तो मैंने दोनों के लिए प्लेट लगा ली है,
तो बस अभी करते हैं हम अपना डिनर। तो कमेंट लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।